पास भी है 2000 का नोट, अगर है तो आज के बाद वो महज कागज रह जाएगा। दरअसल आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने को लेकर अंतिम तारीख यानी कि 7 अक्टूबर रखी थी और आज 7 अक्टूबर है। अगर आज आप 2000 के नोट नहीं बदलेंगे तो वो महज एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताएं इस रिपोर्ट के जरिए। बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने का आज अंतिम दिन। 2000 के नोटों को बैंक खाते में जमा करने या उन्हें दूसरे मूल्य के नोटों में बदलने का आज अंतिम दिन है। इससे पहले आरबीआई गवर्नर ने बताया कि अब तक वापस आए कुल नोटों में से 87% नोट बैंक खाते में जमा हुए हैं, जबकि शेष नोट विभिन्न काउंटर्स के जरिए बदले गए हैं। अब तक कुल 3.43 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट वापस आ गए हैं। वहीं आरबीआई की एमपीसी की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 12000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के 2000 रुपए के नोट अभी भी प्रचलन में हैं। ऐसे में इन नोटों की वापसी को लेकर हमने पिछले बैठक में समय बढ़ाने का निर्णय लिया था। आरबीआई ने पिछले सप्ताह ही 2000 रुपए के नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने की तारीख को बढ़ाकर 7 अक्टूबर किया था। इससे पहले आरबीआई ने इसी वर्ष 19 मई को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके साथ ही अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 8 अक्टूबर से 2000 रुपए के नोटों को आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बदला जा सकता है। इन कार्यालयों में एक बार में सिर्फ 20000 रुपए के नोट 2000 के 10 नोट ही बदले जाएंगे। जिन लोगों के घर इन कार्यालयों से दूर हैं, वह डाक से अपने नोट को आरबीआई कार्यालय में भेजकर उन्हें सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करने की सुविधा भी हासिल कर सकते हैं। उधर आरबीआई गवर्नर ने बताया कि अब तक वापस आए कुल नोटों में से 87% नोट बैंक खातों में जमा हुए हैं, जबकि शेष नोट विभिन्न काउंटर्स के जरिए बदले गए हैं। अब तक 3.43 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट वापस आ गए हैं। जनता के लिए बैंकों में 2000 रुपए के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए बस आज का ही दिन बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ, और तब तक के लिए हमें दे इजाजत, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।